हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हमें देखना है सिम्ब्लेफेरॉन के बारे में। तो हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ आईलिड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से आज हम सीखने वाले हैं सिम्ब्लेफेरॉन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब क्या होता है वो जानते हैं। तो इसको हम अलग करें, ये जो शब्द है उसको हम अलग करें तो टू वर्ड्स को मिला के ये बनता है। सबसे पहला है सिम एंड दूसरा है ब्लेफेरॉन। ठीक है, तो सिम मतलब कि टुगेदर विथ एंड ब्लेफेरॉन मतलब कि आई लीड। तो क्या होता है इसके अंदर वो देखिए आप। इन दिस कंडीशन लीड्स बिकम एडहरेंट विथ द आई बॉल एज अ रिजल्ट ऑफ एडहेशंस बिटवीन पाल्पेबल एंड बल्बर कंजक्टिवा। तो क्या होता है कि जो हमारी कंजक्टिवा है, पाल्पेबल कंजक्टिवा एंड बल्बर कंजक्टिवा, इन दोनों के बीच में एडहेशंस बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्टक हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो कि जो लीड है हमारी वो आई बॉल के साथ एडहेरेंट हो जाएगी। तो आप ये देखिए, हमारी बुक के अंदर फोटो दी हुई है ना, वो ही है। इसमें ये जो लीड है हमारी वो आई बॉल के साथ स्टक हो गई है, यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है एंड इसकी एटियोलॉजी क्या होगी। बट आपको बेसिक समझ में आ गया ना कि इसके अंदर क्या होता है, तो कि जो हमारी लीड है वो आई बॉल के साथ एडहेरेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी एटियोलॉजी क्या होती है। ऐसा तो क्या होता होगा कि भाई जो हमारी लीड है वो आई बॉल के साथ एडहेशंस बना लेती है। तो सबसे पहले एटियोलॉजी के अंदर क्या है, तो कि जो पाल्पेब्रल एंड बल्बर कंजक्टिवा है उन दोनों के अंदर अगर रॉ सरफेस होगी तो वो एक दूसरे के साथ स्टक हो जाएगी। तो उसके जो कॉमन कॉजेज़ है वो हमें देखने पड़ेंगे एटियोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहला कोज है उसके अंदर कि थर्मल और केमिकल बर्न्स अगर हुए हैं तो। ठीक है, थर्मल और केमिकल बर्न्स, तो इसकी वजह से भी उन दोनों के जो दोनों कंजक्टिवा है वहाँ पे रॉ सरफेस क्रिएट हो सकती है एंड फिर उन दोनों के बीच में बाद में एडहेशंस बन जाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे है कि अगर कोई इंजरीज, फिर अगर अल्सर बन गए हो वहाँ, तो कंजक्टिवा के ऊपर कोई अल्सर बन गए हो तो, कंजक्टिवल अल्सरेशन। फिर उसके बाद क्या है कि मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस अगर हो तो, फिर उसके बाद जो हमारा एसचे सिंड्रोम है वो, जो हमारा स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम है वो। ठीक है, तो ये है एटियोलॉजी की, इन सब डिसीज के अंदर ये कंडीशन हो सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि जो हमारा आई बॉल है वो लीड के साथ स्टक हो जाएगा, एडहेरेंट हो जाएगा, तो हमारी जो मूवमेंट्स है आई की वो ठीक से हो सकेगी, नहीं हो सकेगी ना। तो सबसे पहले वही होगा कि जो हमारी ओक्यूलर मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ठीक है, ओक्यूलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड। फिर इसके बाद क्या है कि जो हमारी ओक्यूलर मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, तो वो मूवमेंट तो हो सकेगी बट कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो सकेगी जो हमारा आई बॉल है उसकी, उसकी वजह से डिप्लोपिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ओक्यूलर मूवमेंट जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड है उसकी वजह से। फिर इसके बाद क्या है कि एडहेशंस की वजह से जो हमारी लीड है वो क्लोज नहीं हो पाएगी ठीक से, तो उसकी वजह से लेग ऑप्थल्मस भी हो सकता है, लेग फिर अगर किसी की आई के अंदर ये जो आई बॉल है वो लीड से एडहेरेंट हो गया हो तो वो देखने में अच्छा लगेगा, देखने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट।
ठीक है, कॉस्मेटिक भी प्रॉब्लम करेगा ये। तो ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब क्या है कि इसके बाद हमें इसके टाइप्स देखने हैं कि भाई कौन कौन से टाइप होते हैं इसके। तो टाइप के अंदर 3 टाइप है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड टोटल। एंटीरियर है, पोस्टीरियर है एंड टोटल है, ठीक है। एंटीरियर के अंदर क्या होगा तो कि एडहेशंस जो है वो एंटीरियर पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट हो गए। पोस्टीरियर के अंदर होगा कि फोर्निक्स पे प्रेजेंट हो गए एडहेशंस। एंड जो टोटल है उसके अंदर, टोटल जो कंप्लीट लीड के अंदर देखने को मिलेगा जो एडहेशंस है वो। तो इसके लिए आपको जो बुक के अंदर डायग्राम दी हुई है ना 3, ये टाइप्स लिख के वो डायग्राम्स बनानी है। कौन सी डायग्राम वो हम देखते हैं अभी। तो देखिए ये जो डायग्राम है वो हमें बनानी है। इसके अंदर ये जो है वो है एंटीरियर, फिर ये जो है ये जो रेड कलर का दिया हुआ है ना वो एडहेशंस है। तो ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर एंड ये कंप्लीट है, तो ये है टोटल, ठीक है। तो ये तीनों टाइप है। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है वो पढ़ना है हमें। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर है कि भाई जो हमारी ओक्युलर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई, जो हमारी लीड है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आई के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी, ठीक है, ड्राइनेस हो जाएगी। फिर जो हमारी कंजक्टिवा है उसका केराटिनाइजेशन हो जाएगा, कंजक्टिवा हमारी ठीक हो जाएगी। कॉर्निया का अल्सर भी हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम तक जो लीड है वो क्लोज नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से अल्सर भी बन सकते हैं कॉर्निया के। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशंस की बात। इसके बाद हम देखते हैं कि इस कंडीशन को हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर 2 पार्ट देखने हैं हमें। सबसे पहला है प्रोफाइलेक्सिस एंड उसके बाद है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। मतलब कि क्या कि अगर जो कंजक्टिवा है उसकी सरफेस रो है, पहले से ही इंजरी हुई है, बर्न हुआ है, ऐसी कुछ कंडीशन हुई है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि भाई फ्यूचर में ये सिम्ब्लेफेरॉन डेवलप होने के चांसेस है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स लेने हैं। एंड अगर किसी के अंदर वो ऑलरेडी हो गया है तो उसको ट्रीट करना है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फिर जो अर्ली स्टेज हो गए उसके अंदर हमें प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में क्या क्या करना है, तो कि जो रो सरफेस होगी ना उसके अंदर हमें कुछ लगा देना है, लुब्रिकेंट मटेरियल या कुछ लगाने के लिए देना है, ठीक है। फिर हम उसको कॉन्टेक्ट लेंस भी दे सकते हैं। एंड जो कॉन्टेक्ट लेंस हो गए ना वो लार्ज साइज़ के देंगे, उसकी जो कॉर्निया के जो लेंस हो गए नॉर्मल उसके साइज़ के नहीं देंगे, लार्ज साइज़ के थोड़े लेंस दे सकते हैं, थोड़ी लार्ज साइज़ के लेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हम ले सकते हैं। फिर अगर किसी के अंदर ये ऑलरेडी हो गया है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हमें क्या करना है, तो कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हमें करनी है सिम्ब्लेफेरेक्टोमी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे तो कि अगर ये हमारी आई है आई एंड इसके अंदर इतने एरिया के अंदर ऊपर की साइड जो लीड है उसके साथ एडहेशंस बन गए होंगे, तो हम उस एडहेशंस को दूर करेंगे। एंड फिर जो इतना रो एरिया क्रिएट होगा उसके अंदर वो रो एरिया है उसको हम कैसे कवर करेंगे, तो कि आसपास की साइड की जो नॉर्मल कंजक्टिवा होगी ना उस कंजक्टिवा को यहाँ पे मोबिलाइज कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, या फिर कंजक्टिवल और बकल म्यूकोसल ग्राफ्ट ले सकते हैं। आसपास की जो कंजक्टिवा है उसको यहाँ पे मोबिलाइज कर सकते हैं, या फिर बकल म्यूकोसल ग्राफ्ट ले सकते हैं, या फिर AMT यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमें 2 चीज़ें करनी है, प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स लेने हैं जब रो सरफेस क्रिएट हुई हो तब एडहेशंस बने ही ना उसका ध्यान रखना है, एंड अगर ऑलरेडी बन गए हो तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो वो हो गई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन की बात की है, एटियोलॉजी की बात की, फिर हमने क्लिनिकल फीचर्स एंड इसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखे, फिर हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी है, एंड फिर उसके
ट्रीटमेंट के बारे में देखा है, जिसके अंदर हमें प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स क्या लेने हैं एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या करनी है वो देखा है। तो आई होप आपको इस डिसीज़ के बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।